सो वेलकम बैक, वेलकम टू विंग्स जे कुड़ान। मेरा नाम है तनजोत सिंह। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिवर्स ऑफ जेएंडके में। रिवर झेलम, ऑलरेडी हम रिवर चेनाब एंड रिवर रावी को डिस्कस कर चुके हैं इससे पुराने वाले लेक्चर में, तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवर झेलम। सबसे पहला पॉइंट जो रिवर झेलम का ये कि इसका लोकल नाम होता है वेद, तो कश्मीरी में या कश्मीर में इसको किस नाम से जाना जाता है, दैट इज वेद। अब संस्कृत में झेलम रिवर को किस नाम से जाना जाता है, वितस्ता। वैसे ही एंशियंट ग्रीक में हिदस्पस और अकॉर्डिंग टू प्लॉटमी इट्स नेम वॉज बिदस्पस। फाइन। अल बुरेनी जो राइटर हैं उनकी किताब उल हिंद में, किताब उल हिंद में झेलम को इट्सेल्फ झेलम के नाम से ही जाना जाता था। फाइन। और पर्शियन में बेहद और झेलम को कोशुर दरिया भी कहा जाता है। कोशुर दरिया झेलम को तब कहा जाता है when झेलम leaves जे एंड के या फिर leaves कश्मीर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिजिकली झेलम इज कॉल्ड एज कोशुर दरिया। ओके, इतना हो गया। अब झेलम की जो टोटल लेंथ है वो 725 किलोमीटर्स। फाइन। एंड 177 इन जे एंड के, ये भी हो गया। अब झेलम ओरिजिनेट होती है वेरीनाग स्प्रिंग से, तो पहला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, हमारी झेलम की डायग्राम में पहला पॉइंट आ गया एक स्प्रिंग जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग स्प्रिंग अगर आपके साथ मैं डिस्कस करूं तो ये फ्रेंड्स एक ऑक्टागनल स्प्रिंग है, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ 8 साइड से बना हुआ ये ऑक्टागनल स्प्रिंग है वेरीनाग। यहाँ से होती है हमारी झेलम ओरिजिनेट और फिर आगे चलती है। जो वेरीनाग स्प्रिंग है इट्सेल्फ ये जहांगीर ने बनाया था, और जो स्प्रिंग के आगे पीछे आप अगर आज के टाइम पे वो जो गार्डन बना है इसके आगे पीछे वो देखें तो दैट गार्डन वाज मेड बाय शाहजहां। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी होगी। झेलम ओरिजिनेट हो गई है वेरीनाग स्प्रिंग से, ये आ गया हमारा वेरीनाग स्प्रिंग, दैट इज ऑक्टागनल स्प्रिंग, दैट इज ऑक्टागनल स्प्रिंग। फाइन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। श्रीनगर, अनंतनाग एंड बारामूला आर सिचुएटेड। इस पॉइंट से मेरा मतलब है, अच्छा लिखा हुआ है, एट इट्स बैंक। इस पॉइंट से मेरा मतलब है कि ज्यादातर जो झेलम फ्लो करती है कश्मीर में वो कौन कौन से एरियाज में करती है, मतलब श्रीनगर, अनंतनाग एंड बारामूला। ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं श्रीनगर की, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके बैंक में क्या पाया जाता है, झेलम रिवर पाई जाती है। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं। नेविगेबल फ्रॉम खन्नाबल टू वुलर लेक। ओके, सो जो रिवर है हमारी झेलम, सपोज ये खन्नाबल वाला एरिया है, यहां से लेके सपोज ये वुलर लेक है हमारी, ये वुलर लेक है हमारी, तो जो नेविगेबल मतलब नेविगेशन जहां पॉसिबल है झेलम रिवर में वो बेसिकली कहां से कहां तक है, दैट इज फ्रॉम खन्नाबल टू वुलर लेक। फाइन। चलते हैं आगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कुछ इसके लोकल नेम्स अकॉर्डिंग टू प्लॉटमी, अल बुरेनी और इन पर्शियन, एंड व्हेन इट इज स्पेशली कॉल्ड एज कोशुर दरिया। हमने पढ़ ली इसकी लेंथ कितनी होती है, हमने पढ़े ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है। फाइन। श्रीनगर, अनंतनगर, बारामूला इसके शोर पे पाए जाते हैं। ओके, नेविगेबल कहाँ से कहाँ तक है और इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज। अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में से जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट नहीं है ये राइट बैंक,
जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें पहली ट्रिब्यूटरी आती है आरपथ, जिसे हम कोल के नाम से भी जानते हैं। तो आरपथ का क्या सिस्टम है? आरपथ, ब्रिंजी और सांद्रेन, ये तीनों साथ में ही पढ़नी होती हैं। ओके, मैंने इसको ऐसे याद रखा कि हमारी बाइक्स में ABS सिस्टम होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, तो मैंने वहां से इन तीनों का नाम याद किया हुआ, आरपथ, ब्रिंजी एंड सांद्रेन। फाइन, तो आप बोलेंगे क्या पुट्ठे सीधे कोड लगाते रहते हैं सर, तो कुछ ना कुछ करके बस याद रखना है। आप किसी भी कोड से याद रख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगता है आप इसे भी आजमा सकते हैं। फाइन, तो चलते हैं। आरपथ को कहते हैं कोल, ये ब्रिंगी में ज्वाइन करती है एट मीरदंतर, मतलब अगर ये आरपथ है और ये ब्रिंजी है, ब्रिंजी आरपथ, ये दोनों कहां ज्वाइन हुई? एट मीरदंतर। फाइन, एंड द कंबाइंड स्ट्रीम यूनाइट विद सांद्रेन एट हेन्स दंतर, और ये जो कंबाइंड स्ट्रीम है ये जाके किससे मिलती है? ये मिलती है अपनी सांद्रेन के साथ। तो ये डायग्राम आपको समझ आ गई कि इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में से पहली तीन ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताई, आरपथ, कोल एंड ब्रिंजी, सॉरी आरपथ, ब्रिंजी एंड सांद्रेन, आरपथ और ब्रिंजी आपस में मीरदंतर में मिलके एक कंबाइंड स्ट्रीम में सांद्रेन के साथ मिलती है आगे जाके, यही पढ़ा हमने आरपथ में। आइए चलिए ब्रिंजी देखते हैं। तो ब्रिंजी जो इट्सेल्फ है वो तीन रिवर से बनी है, दैट इज एलन, रासपेरन एंड नौबाग एंड नौबुग, और ये सब कहाँ पे आती है? विलेज लैला में। कहाँ मिलती हैं सारी की सारी? विलेज लैला में। वैसे सांद्रेन की क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? सांद्रेन का जो सोर्स है वो सार्बल है, ठीक है। टर्न ऑफ सार्बल का मतलब है, टर्न वर्ड का मतलब है कि जो माउंटेन के साथ रिवर फ्लो करती है उसे हम टर्न कहते हैं। फाइन, बिलो कौटक पीक, कौटक पीक के नीचे, मान लो ये कौटक पीक है हमारी, कौटक पीक के नीचे क्या है? सार्बल। फाइन, ये पेरिनियल स्ट्रीम है। फ्रेंड्स, पेरिनियल स्ट्रीम क्या होती है? जिसमें हमेशा से पानी रहता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जितना भी हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है सबसे ज़्यादा पेरिनियल स्ट्रीम्स वहीं हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलते हैं, पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है और पानी कभी भी सूखता नहीं है। फाइन, जैसे तवी रिवर है हमारी, सूख जाती है थोड़ी देर के बाद, चेनाब रिवर भी सूख जाती है थोड़ी देर के बाद, फिर पानी आ जाता है, पर कुछ रिवर्स होती हैं जो हमेशा ही पेरिनियल रहती हैं। ओके, तो पेरिनियल का मतलब हमेशा जिसमें पानी रहता है। और इसकी जो खास बात है सांद्रेन रिवर की, दैट इज ये सदर्न मोस्ट रिवर है, हिमालयन ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में से जो सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? सांद्रेन। इतना आपको पता चल गया। आप करो, आप क्या करो, मेरी वीडियो 1.5 पे लगा के देखो, ये लंबी होने वाली है। फाइन, जल्दी से आपका भी हो जाएगा, समझ भी आपको आ जाएगी। चलते हैं आगे। हमने अभी तक ये डिज़ाइन कर लिया था अपने रिवर को यहाँ से, इसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी तीन ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दैट इज आरपथ, ब्रिंजी, और दोनों किससे मिलती हैं जाके? सांद्रेन से। फाइन, सांद्रेन को मैं थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगा, ये आ गई सांद्रेन, यहाँ से जाएगी, बिकॉज इट इज़ द सदर्न मोस्ट, ये सदर्न मोस्ट है, तो ये क्या है? ये मेरी सांद्रेन है, ये मेरी आरपथ, और ये मेरी ब्रिंजी। फाइन, ये कौन सा एरिया था हमारा? ये एरिया था हमारा मीरदंतर। ओके, दिस एरिया इज मीरदंतर, एंड अल्टीमेटली ये तीनों राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहाँ जाके मिली है? कहीं ना कहीं खन्ना बल के पास जाके ये जेलम के साथ मर्ज कर जाती है। चलते हैं आगे। आगे हमारे पास पढ़ने के लिए है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ब्रिंजी किससे बनी है? अल्टीमेटली एहलन, रासपेरन एंड नौबोग, दैट इज ब्रिंजी जो हमारी बनी है वो है एहलन, रासपेरन एंड नौबोग। फाइन, तो आपने देखा ब्रिंजी खुद तीन रिवर से बनी थी, जाके आरपथ में मिली मीरदंतर में, ये दोनों कंबाइन हुई मिली सांद्रेन में, जो अल्टीमेटली कहाँ गई? जेलम रिवर के अंदर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? ये बन जाता है कि ब्रिंजी के
इंटर्न ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, फाइन, ब्रिंजी किसके साथ मिलती है, उसके बाद कौन सी सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है जेलम की, तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। यहाँ तक चलते हैं आगे फ्रेंड्स, आगे मेरे पास है नेक्स्ट रिवर्स, नेक्स्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दोज आर फर्स्ट लिदर, सिंथ एंड दोरू। ओके, तो पहले इनको स्टडी कर लेते हैं इंडिविजुअली। देखो फ्रेंड्स, लिदर क्या है, लिदर जो रिवर है ये दो रिवर से बनी है, दैट इज ईस्ट रिवर, ईस्ट लिदर एंड वेस्ट लिदर। जो तो ईस्ट लिदर है ये आई है हमारी शीशनाग ग्लेशियर से, शीशनाग से, और जो वेस्ट लीडर है वो आई है कालाहोई ग्लेशियर से, फाइन। और जो लीडर रिवर है वो बेसिकली प्रोमिनेंटली अनंतनाग टू पहलगाम ट्रेवल करती है। इतना पता चल गया लीडर के बारे में। अब आ जाते हैं सिंध पे। जो सिंध रिवर है ये चलती है गांदरबल श्रीनगर से लेके जोजीला ले तक, ठीक है। अब जो गांदरबल है, गांदरबल की एंटायर बेल्ट जो है वो सिंध रिवर पे ही है। मतलब कि अगर आप गांदरबल जाएंगे तो एंटायर जो आपको बेल्ट मिलेगी रिवर वेज वाली वो कौन सी होगी, वो सिंध रिवर वाली ही होगी। यहाँ तक कि जब भी आप सोनामर्ग में जाते हैं तो जो नदी साथ साथ में चल रही होती है सोनामर्ग जाते हुए, वो सारी की सारी हमारी सिंध रिवर ही होती है, फाइन। और इसके ओरिजिन्स होते हैं कहीं अमरनाथ में, अमरनाथ के पास। इतना हो गया। अब जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है वो लिखा है धोरू, इसे हम पोरू के नाम से भी जानते हैं। पहली बात, ये हमारी नॉर्थ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है जेलम की, फाइन। ये मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे। आइए इसको फ्रेम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पहुँचे थे आरपत की तरफ, उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट, दैट वॉज लिदर, ठीक है। जो अगर लिदर यहां से आ रही है तो ये इसका नॉर्थ हुआ, ये इसका साउथ, ये इसका ईस्ट, ये इसका वेस्ट। तो अगर लिदर यहां से आ रही है जेलम में, इसका मतलब ये वाला हुआ कालाहोई और ये हुआ शीशनाग। आप समझ रहे हैं, ठीक है। लिदर की डायरेक्शन ऐसे है तो मैंने डिसाइड किया, वैसे ही जेलम की डायरेक्शन कैसे, ऐसे, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो लिदर के बाद हमने पढ़ा सिंध, यहां आपको पता है क्या है वूलर। अगर मैं आपको डायरेक्शन बताऊं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन। तो जो नॉर्थ वेस्ट से आई जेलम के अंदर रिवर कहीं यहां पे एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसका नाम है धोरू, जिसे हम बुक्स में कभी कभी पोरू के नाम से भी पढ़ते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ी अपनी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसमें लिदर पढ़ा, सिंध पढ़ा, धोरू पढ़ा और अपना एबीएस सिस्टम पढ़ा, दैट इज आरपत, ब्रिंजी एंड सांद्रेन, फाइन। जो सिंध थी वो कहीं अमरनाथ से आई थी, ओके, और जो लिदर थी वो अनंतनाग टू पहलगाम ट्रेवल करी थी। मैं सारा मैप पे बनाऊंगा नहीं वहां पे, ये अंडरस्टूड है। तो इतना हमने ड्रॉ कर लिया, चलते हैं आगे, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमारी पहली आती है विषव रिवर, इट राइजेस फ्रॉम कौसरनाग, कौसरनाग से राइज करती है, ठीक है, फॉर्म्स वाटर ऑफ अहरबल। ये वही कौसरनाग है जो अहरबल का पानी, जिसमें अहरबल का पानी आता है। नेक्स्ट इज रैम्बियर, रैम्बियर बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, क्यों, क्योंकि रैम्बियर का जो पॉइंट है, देखो, वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कल को आपको जेके एसएसबी में कि वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है जेलम की, आपका आंसर क्या होने वाला, रैम्बियर, फाइन। इसको कल्हाना ने रामायण तवी के नाम से भी
बोला था। इसका जो नेम किया गया था कल्हाना के थ्रू वो था रामायण तवि, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट इज दूध गंगा, इट राइजेज नियर द तत्ताकुटी माउंटेन, फाइन। जॉइंस जेलम एट छताबल, पहले यहाँ तक बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, विशव रिवर, देन रैम्बियर, देन दूध गंगा। तो हमें पता चल गया इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, विशव रिवर, रैम्बियर एंड दूध गंगा। ये मैं रैंडमली नहीं लिख रहा हूं, ये यहीं आती है, ये यहीं आती है और ये यहीं आती है। तो कभी आपको एग्जाम में पेपर आएगी अगर राइट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हमने नॉर्थ से साउथ लगाना है तो तब भी आप लगा सकते हैं, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, फाइन। और दूध गंगा के बाद लास्ट क्या है हमारा, निंगल। निंगल कहाँ से आती है, अफरवट से। तो यहाँ कहीं है निंगल, ठीक है, यहाँ कहीं हमारी निंगल और ये आती है फ्रॉम अफरवट। तो हमने आज पढ़ा जेलम रिवर को, एक बार समराइज करते हैं फटाफट। जेलम रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़ी स्टार्टिंग में वो क्या थी कि ये वेरीनाग से ओरिजिनेट हुई। वेरीनाग एक स्प्रिंग है जिसे जहांगीर के थ्रू बनाया गया था। उसके बाद जो उसके आगे पीछे का गार्डन बना वो किसने बनाया, शाहजहां ने। वेरीनाग से जेलम चली ऊपर और पहली जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से मिली वो किसका मिला, वो समेशन मिला आरपत, ब्रिंजी एंड सांद्रेन का, जहाँ पे आरपत को कोल बोला जाता है। ब्रिंजी के तीन पार्ट्स हैं, दैट इज तीन ट्रिब्यूटरीज हैं, अहलन, राजप्रेन एंड नवबोग। उसके बाद सांद्रेन इन दोनों में जाके मिलती है कहीं यहाँ पे, फिर ये जेलम में चली जाती हैं। सांद्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सदर्न मोस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, जेलम की। इतना हो गया। फिर हम आगे देखा, हमने हमें ये पता था कि खन्नाबल से लेके वुलर लेक तक, और यहाँ बीच में कहीं डल लेक भी आती है, दिस इज डल लेक, अगेन ऑन द राइट बैंक ऑफ जेलम, फाइन। तो हमने पढ़ा कि खन्नाबल से लेके वुलर लेक तक जो कि गांदरबल में है, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो कि नेविगेबल रिवर का पार्ट है वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो है लिदर जो खुद में शीशनाग और कालाहुई से बनी है, देन सिंध जो एंटायर बेल्ट ऑफ गांदरबल से पास करती है, फाइन। और जो जिसके जो रूट्स हैं वो कहाँ से हैं, अमरनाथ से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डल लेक जो इसके राइट साइड पे है, ओके। देन आ जाता है वुलर लेक एंड देन दोहरू पोरू, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि ये इसकी नॉर्थ वेस्टर्न ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये ऐसे हमने इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ा, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में हमने देखा क्या, एक विशव रिवर है, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइन। देन रैम्बियर इज द वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी, वाइडेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ जेलम, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी हमने पढ़ लिया। देन दूध गंगा अगेन इज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड फाइनली निंगल, ओके। यहाँ बीच में यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी और आती है, दैट इज फिरोजपुर, फाइन। ये भी इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ लें। तो अगर मैं यहाँ से कुछ मिस भी कर रहा हूँ तो आने वाले MCQs में मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, पर मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ है जेलम के लिए। आप इसी को स्टडी कीजिए डीप में अच्छे से, जैसे मैंने बनाया एक बार आप भी बनाइए, सो दैट आपको भी याद रह जाए, जैसे मुझे कई चीज़ें इसमें ऑलरेडी याद हैं, जैसे ये याद आ गया, फाइन। तो हमने पढ़ ली एक पिक्टोरियल फॉर्म में, बनाते बनाते हमने जेलम रिवर को बनाया। आगे आने वाला टाइम पे जेलम रिवर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है, फाइन। अब जो पाकिस्तान में जाती है जेलम रिवर, उसके लिए चेनाब के लिए रावी, जेलम, इंडस, सतलुज, इन सब के लिए आपको एक बार इंडस वाटर ट्रीटी का पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। मैं किसी शॉर्ट लेक्चर में 5 मिनट के लेक्चर में वो भी पढ़ा दूंगा, उसमें आपको ये भी क्लियर करवा दूंगा इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। और इन तीनों रिवर्स का ये बात, जब तीनों रिवर्स अपने पढ़ लिए इंडिविजुअली, इन मेजर तीन रिवर्स को क्लब करके इंडस की ट्रिब्यूटरीज के साथ एक बार मैं डायग्राम बना के आपको दिखा दूंगा कि कौन सी रिवर कहाँ मर्ज होती है। जैसे चेनाब जो है, जेलम जो है वो चेनाब में जाती है फाइनली, उसके बाद जो इंडस में चेनाब जेलम दोनों जाती हैं,
सतलुज रावि में चली जाती है। ये सब कैसे होता है मैं कोई 5-10 मिनट की वीडियो लेके बना दूंगा, अगर आपको उसकी ज़रूरत है सच में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फाइन। इससे आपको एक बड़ा व्यू मिल जाएगा जिसे हम जूम आउट व्यू बोलते हैं इन सभी रिवर्स का जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। बाकी जूम इन व्यू तो हमने देख ही लिए, आज झेलम का देखा है ऑलरेडी, चेनाब और रावी का भी देख लिया है, तो झेलम रिवर का पिक्टोरियल व्यू ये है, आप इसे एक बार बनाइए अपने घर पर स्टडी कीजिए, फाइन। और ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी ज़रूरी है, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना टॉपिक। आप अपना ख्याल रखें और ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ। आने वाले टाइम पे जल्दी मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ एक बार रिवाइज होने वाला है, चाहे वो रिवर्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, म्यूज़िक हो, कल्चर हो, सब कुछ। तो आप फिक्र मत कीजिए, बस अभी मेरे साथ पढ़ते रहिए जब तक हम ये टॉपिक्स, इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर नहीं कर लेते। वंस दे आर कम्प्लीटेड विल मूव ऑन टू एमसीक्यूज एंड देन आई प्रॉमिस यू, आई अश्योर यू दैट यू विल नॉट हैव टू गो टू एनीवेयर एल्स टू स्टडी ऑल दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स ऑफ J&K। इतना अच्छा मैं आपके साथ एमसीक्यू सीरीज लेके आऊँगा। तो इसी के साथ अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।